वही कारण है कि राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर विश्वभू नहीं एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में है। और यही नहीं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह भारत की नई ताकत की कहानी कहता है। भाइयों बहनों, एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत और भारत की प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ सुदृढ़ होती हुई सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत के जवानों और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम आज हम सबके सामने आ रहे हैं। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर घुस करके भारी नुकसान नागरिकों को पहुंचाते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर सके, क्योंकि से मालूम है कि अगर उसने सीमाओं का अतिक्रमण किया तो हिमाचल प्रदेश के वीर बांकुरे दुश्मन की छाती में दाल मुंगने का काम करेंगे और उसकी सीमाओं के अंदर घुस करके ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक और कोई एयर स्ट्राइक करके दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेंगे। भैया बहनों, ये नया भारत है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विकास की यात्रा को अभी आगे बढ़ाता है, अपने नागरिकों के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं भी लेके आता है। लेकिन दुश्मन को दो दो हाथ करने की क्षमता रख करके उसके घर में जाकर के मारने की ताकत भी रखता है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, पंच प्रण की बात कही थी। ये पंच प्रण भाइयों बहनों विकसित भारत के निर्माण को लेकर के, विरासत के सम्मान को लेकर के है, गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने को लेकर के है, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को लेकर के है, और हर नागरिक देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी उसको हो सके, इन सब बातों को लेकर के है। ये पांच प्रण हैं देश को, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए। विकसित भारत, पांचवी अर्थव्यवस्था भारत का बनना, उस दिशा में एक शुभ संकेत है। भारत हमारा देश, भारत विकसित होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आय बढ़ेगी, रोजगार, नए नए रोजगार मिलेंगे, लोगों में समृद्धि आएगी। और आज उस प्रकार के कार्यक्रम हो भी रहे हैं, गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान भी करना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होना भाइयों बहनों विरासत का ही सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होना ये विरासत का ही सम्मान है। केदारपुरी में केदारपुरी के पुनरुद्धार का कार्य का संपन्न
विरासत का ही सम्मान है। और भाइयों बहनों, महाकाल में महान लोक का लोकार्पण होना ये विरासत का ही सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्र नायकों का स्मरण होना भी एक विरासत का सम्मान है। हर घर पर तिरंगा का पहराना भी ये विरासत का सम्मान है। भाइयों बहनों, कांग्रेसियों ने 1947 में हर घर पर तिरंगा पहराया था कि नहीं पहराया था, हमने से संभवतः किसी ने नहीं देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के 135 करोड़ आबादी के घरों में भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराने का काम करवाया है। भाइयों बहनों, एक तरफ यह कार्य, दूसरी तरफ आप याद करिए, जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक नारा लगता था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे के नारे लगते थे। इस देश के अंदर आतंकवाद की जड़ थी, कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त करके जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अंग वैसे ही बना दिया जैसे हिमाचल प्रदेश है। आज हिमाचल प्रदेश और बल का भी कोई नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है और वहां अपने लिए आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकता है। आज भारत का कानून जम्मू कश्मीर पर भी बराबर लागू होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नई कहानी को यह कहता है। तो भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान अपने नागरिकों को कैसे बचाया जाना चाहिए, जीवन और जीविका की रक्षा कैसे होनी है, ये भी आपने देखा। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा भी तो 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर मिला था। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बीमारी दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन में आती तो क्या ये फ्री में राशन की सुविधा मिल पाती? आप थोड़ा बोलिए, मुझे बताइए, अगर आपको विश्वास है तो बोलिए, नहीं है तो बता दीजिए कि हमें कांग्रेस पे विश्वास नहीं था, कांग्रेस नहीं देती। क्या कांग्रेस वैक्सीन दे पाती फ्री में? और बताओ, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 हटा पाती? और क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? और यूं कह लो, कांग्रेस न सीमाओं की सुरक्षा कर पाती, न धारा 370 को हटा पाती, न अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती, न कोरोना प्रबंधन का इतना अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाती। आज तो हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार में हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत और हिम केयर के नाम पर स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष के लिए दिया जा रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। युवाओं के लिए अग्निपथ के साथ साथ मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा का लाभ प्रदान करने का एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। भाइयों बहनों,
किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पटरी व्यवसायों के लिए पीएम स्वनिधि, ये सभी कार्य आज देश के अंदर बखूबी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उसका लाभ ले रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत दुगनी गति से आपको मिल रही है और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर पाएगी और डबल इंजन सरकार को पुनः हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए कोई सोचता था कि एम्स बनेगा हिमाचल में, कोई सोचता था आईआईटी बनेगी हिमाचल में, कोई सोचता था आईएम बनेगा हिमाचल में, और कोई सोचता था हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आज सपना भी साकार हो रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के बाद घर घर कन्वेंसिंग कर पाएंगे। एक प्रत्याशी के लिए कठिन होगा कि 24 और 36 घंटे के अंदर हर घर तक पहुंच जाए। आप सभी को इंदर सिंह गांधी बनना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इंदर सिंह गांधी बन करके घर घर जाकर के कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट की अपील करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? परसों 12 नवंबर को जब मतदान होंगे तो इस मंत्र को अंगीकार करेंगे कि पहले मतदान फिर जनपान मानेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।